السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة व हजलब वसोम रमान रवाबारी मुस्लिम मोहतरम नादरीन आज मैं जिसवान को लेकर के आप हजरात के सामने रूबरू हुआ हूँ वो है रोज़ों के आदाब मोहतरम नादरी अल्लाह सुबहान त हम मुसलमानों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया है दलील अल्लाह सुबहान हुआ ताला कुरान मजीद के अंदर इशाद फरमाता है या अय्युहल्लदीन आमनू कुतिब अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिब अलल्लदीन मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून ए मोमिनो तुम पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया है इस्लाम अला ख़म्स, शहादत अल्ला व अन मुहम्मदन अब्दू व रसूल व इकॉम सला व इता वजबै वसोम रमान रखर यू मुसलिम अल्लाह के रसूल सल्हस ने इरशाद फरमाया इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है इस बात की गवाही देना अल्लाह सुबहान तलावा कोई सच्चा मबूद नहीं और मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं नमाज क़ायम करना ज़क़़त अदा करना बैतुल्ला का हज करना और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना इस हदीस को बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है नाज़रीन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ शर्तें हैं रमदान के रोजा रखने के लिए जिनको उलामा ने इकट्ठा बयान कर दिया है वो शर्त ये है पहली शर्त मुसलमान होना यानी रमदान का रोजा रखना मुसलमान पर फर्द है काफिर पर नहीं दूसरी शर्त बालिग होना बालिग पर रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज है बच्चे पर नहीं लेकिन अगर कोई बच्चा रोज़ा रखता है तो काबिल कबूल है तीसरी शर्त आक़िल होना यानी शरूर होना इसका मतलब ये नहीं कि समझदार हो उसके अंदर टैलेंट हो बल्कि ये नहीं उसके अंदर शुरूर हो आकिल पर फर्द है मजनून और पागल पर फर्द नहीं चौथी शर्त मुकीम होना यानी मुकीम पर फर्द है मुसाफिर जो हालत सफर में हो उस पर नहीं उस पर रुखसत दी गई है चाहे वो रोजा रखे या रोजा छोड़ दे बाद में उसकी वो कज़ा करें पांचवी शर्त कादिर हो यानी कादिर पर फर्द है यानी जो शख्स इस्तिक रखता हो उस पर रोजा फर्द है गैर मस्त पर नहीं गैर मुस्तती कौन कौन है जो अर्जल उम्र हो यानी बहुत ज्यादा उम्र दराज हो चाहे वो बूढ़े हो या बूढ़ी हो मरीज हो ऐसे मरीज जिसकी सेहत याबी की उम्मीद हो जो मैंने पहला पहला जो किस्म बताया अर्जली उम्र को पहुंच गया हो बहुत ज्यादा उम्र दराज हो ये रोजा नहीं रख सकता है तो वो रोजा नहीं रख सकता है उसके बदले में वो क्या करेगा फिदिया देगा फिदिया क्या है एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा दूसरा मरीज ऐसा मरीज जिसकी सेहत याबी की उम्मीद है तो वो क्या करेगा वो कजा करेगा रोजे रोजे का हालत मरीज में जो रोजा उससे छुटे छोटे हैं उस रोजे को क्या करेगा वो वो बाद में कजा करेगा और जो तीसरे किस्म के लोग हैं वो है ऐसे मरीज जिसकी सेहत याबी की उम्मीद नहीं है तो ऐसे शख्स क्या करेंगे फिदिया देंगे फिदिया जो मैंने पहले जिक्र किया एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा उसके बाद हमल वाली औरत मुर्दिया औरत इन पर भी अल्लाह सुबहान हुआ ताला ने रुखसत दिया है रोजे ना रखने की हालत हमल में और दूध पिलाने के वक्त अगर मुर हालत हमल में अगर वो इस्तात रखती है उसको ये खदशा ना हो कि जनीन को कोई ख़तरा महसूस हो तो वो रोज़ा रखेगी अगर उसको ये महसूस हो को जनीन को बच्चा को पेट के अंदर जो बच्चा है उसको अगर खतरा महसूस करती है तो वो रोजे नहीं रखेगी बाद में उस रोजे की वो कजा करेगी मुर्दिया का भी ऐसे ही है अगर वो बच्चे को दूध पिलाती है कोई खतरा महसूस नहीं करती है बच्चे पर तो वो रोजे रखेगी और अगर बच्चे पर खतरा महसूस करती है तो उसको रोजा ना रखने की रुख्सत दी गई है लेकिन बाद में वो कजा करेगी छठी शर्त क्या है खालि मिनल यानी मनि शर्माने से पाक हो यह शर्त औरतों के लिए खास है यानी खालि मिनल म पर फर्द है रोजा रखना यानी इसमें से कौन लोग मुस्तना है वो ये हैं कि निफ़ास और हैद वाली औरत को क्या किया है रोजा ना रखने की रुखत दी है लेकिन वो बाद में रोजे के कजा करेगी अब ये जो मैंने छह शरूत बयान किया है जिनके अंदर भी ये छह शरूर छह शराइत है जो मैंने शराइत बयान किया है ये शराइत अगर किसी के अंदर है तो उन पर रोजा फर्ज है और उनमें से अगर उनमें से बाज ऐसे हैं जिन पर रोजा फर्ज नहीं है जैसे काफिर उनमें से बाज ऐसे हैं जिन पर रोजा फर्ज नहीं है लेकिन रोजा उसके काबिल कबूल है जैसे बच्चा उनमें से बाज ऐसे हैं जिन पर रोजा फर्ज है लेकिन क्या है कजा है उनमें से बाज ऐसे हैं जिन पर रोजा फर्ज है लेकिन फिदिया है इन्हीं बातों पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ अल्लाह सुबहान हुआ ताला से दुआ है आलमीन तू हमें चैन और सुकून व अमन शांति पैदा कर दे आलमीन हमें जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे सल्लल्लाहु अला नबीना महमद आमीन व आखिरदाना अनहमदिल्ल रबालमीन जजाकमल खैर व असलैक्म व वर्कू